चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे लखनऊ। रजनीकांत की फिल्म जेलर की विशेष स्क्रीनिंग में होंगे शामिल। दोपहर 1:30 बजे जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो फिल्म जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस सिलसिले में लखनऊ जाएंगे और रजनीकांत की फिल्म है जेलर, जिसकी विशेष स्क्रीनिंग में वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव, फिल्म जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है और खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल होने वाले हैं, जरा बताएं कि इंतजाम क्या किया गया है, कहां पर यह स्क्रीनिंग रखी गई है और कैसे इसको देखा जाए? देखिए कायनात, रजनीकांत जो सुपरस्टार है हिंदुस्तान के, वो इन दिनों राजधानी लखनऊ के दौरे पर है। आज शाम को 7 बजे रजनीकांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उसके पहले वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यानी आनंदीबेन पटेल के साथ भी मुलाकात करेंगे। लेकिन 1:30 बजे एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे और जो रजनीकांत की फिल्म है जेलर उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। मल्टीप्लेक्स पर यह कार्यक्रम होना है और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम हस्तियां इसमें मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो फिल्म से जुड़े लोग हैं, चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो, कलाकार हो या फिर जो अभिनेत्री हैं, वो सारी टीम के साथ वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस फिल्म को जिस तरीके से टैक्स छूट की बात कर रही है, तो संभव है कि प्रदेश की सरकार जो रजनीकांत की फिल्म है टेलर उसके टैक्स में छूट दे दे। जी कायनात। संजीव, जैसे आपने बताया कि टैक्स फ्री भी सरकार यहां पर इस फिल्म को कर सकती है और जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने वाले हैं, आनंदीबेन पटेल से भी सुपरस्टार रजनीकांत मुलाकात करने वाले हैं, क्या स्क्रीनिंग में सीएम भी शामिल हो सकते हैं? देखिए अयोध्या में इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और मंदिर निर्माण का काम किस तरीके तेजी के साथ चल रहा है, कितना मंदिर का निर्माण अभी हुआ है, इसका जायजा ले रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का शिलान्यास लोकार्पण कर दिया जाए। 2024 से पहले देश की जनता, प्रदेश की जनता राम के दर्शन करने शुरू कर दे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है, शाम को राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और उससे पहले स्क्रीनिंग हो चुकी होगी, तो निश्चित तौर पर शाम को मुलाकात होगी रजनीकांत और योगी की। उससे पहले राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री तमाम कार्यक्रमों में मौजूद रहने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और आज उनकी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है जिसमें शामिल होने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। आज लखनऊ के दौरे पर वो रहेंगे।